तो जी ये जो व्लॉग है वो लास्ट वीडियो का नेक्स्ट पार्ट है जिसमें हमने आपको बताया था हम बिरयानी बनाने लगे। अभी हम स्टार्ट करते हैं बिरयानी और आपको दिखाते हैं कि हम कैसे बिरयानी बनाएंगे। सबसे पहले हमने ऑयल लाना है, फाइव और सिक्स प्याज, फ्लेम अब तेज कर देते हैं और अब हमने इस प्याज को गोल्डन ब्राउन करना है इसलिए अब इसको हम रख देंगे ब्राउन होने के लिए। तब तक अब हमने क्या करना है कि आयशा आपको दिखाएगी कि पानी कैसे तैयार करते हैं चावल बॉईल करने के लिए। चल आयशा, मैंने पानी रख दिया है चावलों को, ऐसे हम राइस बॉईल करेंगे। अब इसमें क्या क्या जाएगा आयशा बताती है, मैं देखती हूँ। नमक डालेंगे कितना, तीन थ्री स्पून से, वन टू एंड थ्री लास्ट वन कर दिया। अब इसमें ऑयल डालेंगे लाइक टू टेबल स्पून, इसमें हम डालेंगे आयशा भी कवर से निकाल रही है जो उसने डाला है। तो अभी हम गाइस इसमें डाल रहे हैं दालचीनी, ये हमने डाल दी और हमारे पास स्टार है, स्टार नहीं हमारे पास, हम स्टार नहीं डालेंगे। और अभी हम ये ब्लैक वाली इलायची डालेंगे, ये हमने डाल दी, ग्रीन इलायची भी डालेंगे और अभी हम ग्रीन इलायची भी डालेंगे। इसमें डाल दिया नमक, ऑयल, दालचीनी और ग्रीन इलायची, मोटी इलायची और इसको हमने बॉइल करना है। जब इसको उबाला आ जाएगा उसके बाद हम इसमें अपनी चावल डाल देंगे, इसको बंद कर दिया हमें, वेट करना है ये इसका जब तक गोल्डन ब्राउन होगा। उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। चिकन हमारा यहाँ पर है, हमें दो चिकन लिए हैं, दी को छोटे का है, अब हम इसको इसमें शिफ्ट करेंगे। नहीं अभी मैंने इसको शिफ्ट करना है, अच्छा अभी शिफ्ट करेंगे हम। हाँ जी, तो अभी मैं भी आपको बताती हूँ कि प्याज की क्या सिचुएशन है। उसके बाद डालेंगे हम अदरक लहसुन का पेस्ट, हाँ तो ये आप देख सकते हैं कि ये भी गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब इस टाइम पे हम इसके अंदर डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, and that's 1.5 tablespoon. इसको ठीक है मिक्स कर देंगे। तो जी डाल चुका है अदरक लहसुन, अब हमने थोड़ी देर इसको सॉटी करना है, उसके बाद अब चिकन डाल देंगे। तो चिकन वहाँ पर हमारे दो फुल चिकन है, तो अभी लाइक 2 मिनट्स हम वेट करेंगे उसके बाद हम चिकन डाल देंगे। बिरयानी बनाना बहुत 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 ईजी है, क्योंकि आप अगर बिरयानी का मसाला घर में नहीं बना सकते तो बाहर से मिल जाता है और वो उससे भी मज़े की बन जाती है। बिरयानी मसाला हमारे पास है बॉम्बे बिरयानी और शान का है और भी हैं, काफ़ी सारे पड़े होंगे। हाँ यही होना चाहिए, तुम्हें पूछा सारे दिखा दो ना, हम कौन कौन सा, मैं मिक्स करके ना डालती हूँ। ये पानी भी पीछे हमारा बॉयल होने के लिए रखा, हल्की आंच पे ना, इसलिए हमने जब चिकन रखा था उसी के साथ हमने पानी भी रखा। सिंधी बिरयानी, सिंधी बिरयानी भी है हमारे पास, पुलाव बिरयानी। और कहाँ है
पता नहीं कौन सी बिरयानी को मैंने मुझे लगता है कि पापा सबसे मजे की बिरयानी किसकी होती है? आयशा की नहीं मैं कह रही थी बाहर की हमारी मैं ये पूछ रही थी आयशा की नहीं मेरी बिरयानी क्या बात किसकी राइस की पापा की तो अलग शहर है चलो जी आयशा भी दिखा दो भी हमने किस टाइम पे चिकन नजर आ देना देखिए जी हाँ अब इस टाइम पे जी चिकन नजर आ देना हमें तो अभी हम चिकन डाल देंगे अभी डाल दी है चिकन हमने और मेरा जो राइस का बॉटल है वो भी नियरली रेडी होने वाला है सबसे तो हम बॉईल करेंगे ना क्योंकि जो हमने बीच में दालचीनी इलायची ये सारी चीज़ें डाली है ना वो बॉईल होने से ना मतलब पानी का ना वो टेस्ट चेंज हो जाएगा रिचनेस आ जाएगी तो फिर जब हम चावल डालेंगे तो चावल में भी टेस्ट काफ़ी होगा वो ऐसे नॉर्मल पानी के बॉयल हुए चावल नहीं लगते थे बिरयानी तो एक स्पेशल डिश है तो उसके लिए वैसे लोग कहते हैं कि बहुत मेहनत लगती है मुझे इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं लगती बिरयानी बनाने में क्योंकि मैं तुम बनाती रहता हूँ ना लेकिन तुम आदत हो गई है पता नहीं आदत हो गई तो नहीं मेहनत हमें जो हलीम बनाने में लगती है ना हाँ हलीम की वीडियो इंशाल्लाह हम कभी ना कभी डालेंगे यहाँ तक छुट्टियाँ हो रही है ना हमें जनवरी में तो फिर इंशाल्लाह हलीम बना लेंगे फिर अभी हमने ये डाल दिया है अभी जो चिकन है या पिंक लगे ना तो हम उसको स्किन कर लेंगे मतलब तो थोड़ा सा कुक करेंगे उसके बाद फिर हम डालेंगे अंदर 1 टेबल स्पून सिरका ताकि इसके अंदर जो भी स्मेल बिल्कुल भी ना रहे चिकन में और आप जितना भूनेंगे गोश्त को उतना अच्छा लगेगा क्योंकि जब तक सही कुक नहीं वो होगा ना मीट तो अच्छी चीज़ कोई भी नहीं बनेगी तो मेन फोकस है कि आप उसको अच्छी तरह इसको कुक करें उसके बाद फिर आप इसको लेयर्स लगाएं और जो भी करना है तो अभी आहिस्ता आहिस्ता इस चिकन का कलर हम ऐसे चेंज हो जाएगा सारे चेंज करेंगे सारे इसका कलर चेंज करेंगे उसके बाद जी हम इसके डालेंगे 1 टेबल स्पून ऑफ विनेगर कोई भी आप विनेगर ले सकते हैं हमारे पास कौन सा वाला है जो हमारे पास वही खाती है पता होने वाले तो वाइट विनेगर है हमारे पास आप मार्क विनेगर भी ले सकते हैं ब्राउन वाला भी ले सकते हैं जो मर्जी आप ले सकते हैं एप्पल साइडर नहीं हम देखें आपको नज़र आ रहा होगा कि पानी हमारा बॉयल होना स्टार्ट हो गया अब जब बॉयल होगा हम इसको 10 मिनट्स इसी तरह रखेंगे ताकि जो सारी जो हमने डाले हैं ना मसाले और क्या क्या डाला हुआ दालचीनी इलायची ऑयल ऑयल जो भी डाला है सारा पानी उसका टेस्ट आ जाए मतलब और समझ गए उसके बाद भी हम चावल डालेंगे तब तक हमारा चिकन भी रेडी हो जाएगा उसके बाद फिर हम लेयर्स लगा देंगे और बस इतनी दम लगा देंगे इतनी सी देर होती है बिरयानी की अब हम इसके अंदर डालेंगे जी 1 टेबल स्पून सिरका ये हमने डाल दिया और वो साथ ही हमारा बॉइल होता जा रहा है हम कौन सा मसाला डालेंगे मैंने हम ऐसे करते हैं आधा डाल देते हैं बॉम्बे और आधा डाल देते हैं सिरका बॉम्बे सिंधी मिक्स होगा अब हमने क्या करना है इस स्टेज पे डाल देने हैं टमाटर सही है कोई नमक मिर्च अभी फिलहाल कुछ नहीं डालना है इसमें डालेंगे टमाटर ताकि हमारे टमाटर बिरयानी में नज़र ना आए घुल जाए तो ये डाल दिया अब क्या करना है इसको अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे और 5 मिनट्स के लिए इसको कवर करके रख देंगे हाँ जी तो अभी 5 मिनट्स हो गए इसको कवर किए हुए तो अभी हम ये लिड खोल के देखते हैं कि क्या सीन है
बिल्कुल। अब इसके अंदर से जो टमाटर हैं देखें बिल्कुल गल गए हैं, अभी हमने इसका पानी खुश करना है और इस टाइम पे हम इसके अंदर मसाले डाल देंगे अब ताकि वो पकते हैं। हाँ जी, और दिखा देती हूँ, यहाँ पर हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, बस बहुत थोड़ा सा, लाइक हाफ टी स्पून, क्योंकि हमने चावल में जो डाला है। थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, सेम हाफ टी स्पून, और अभी हम डिसाइड करेंगे हम कौन सा मसाला डालना है। क्या फिर बताओ कौन सा डालें? दोनों मिक्स कर देते हैं। चलो फिर हम यही डाल देते हैं, क्या कहती है? हाँ चलो ठीक है। ये सारा इसके अंदर डाल जाएगा क्योंकि हम बना रहे हैं दो चिकन, उसके लिए ये वन काफी होगा। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इस मसाले को पकाएंगे 15 to 20 minutes। अच्छी तरह हम भूनेंगे, देखें ये कितनी अच्छी ग्रेवी आ रही है। अब इसके अंदर जो पानी खुश्क होगा वो तो फिर इसकी ग्रेवी बन जाएगी। ये चिकन हमारा गल गया है, मैं कैसे तोड़ के दिखाऊँ, लेकिन सर गल गया है। और ये हाँ हम इसके अंदर डाल देंगे इसको उठाएंगे, देखें आयशा ने। अब हम इसके अंदर इसको चावलों को ऐड कर देंगे। याद करना है कि चावलों में जो चम्मच है वो जोर पर नहीं मारना ताकि चावल टूटे ना। कितना लेना है? दो आयशा, दो बिल्कुल ठीक है। अगर आपने बिरयानी में ग्रीन मिर्च डालनी है तो आप डाल सकते हैं, मैंने अभी थोड़ी देर में डालनी है। और ये है लेमन्स, ये जाएंगे अभी आयशा इनका जूस निकालेगी, और ये जाएंगे कितने प्यारे प्यारे लेमन्स हैं, तभी ये जाएंगी जी। हाँ जी मैं का पानी खुश्क हो रहा है और इसका भी हम भून रहे हैं, अभी डाल देते हैं। मिक्स कर देंगे लेमन के बाद बिरयानी तो चटपटी खट्टी खट्टी मजे की लगती है। मजे की खुशी आ रही है, अब तो चिकन में कोई कुछ भी नहीं है तो मजे का बनेगा। बस अब थोड़ी देर है, ज्यादा देर नहीं है, अपने में गर्मी लग रही है अब तो। आप देख रहे होंगे इसका ऑयल आ गया है ऊपर और ये रेडी हो गया, बस हम इसका वेट कर रहे हैं चावलों का। जैसे ही रेडी होती हैं तो हम इन दोनों के लेयर्स लगा देंगे और कलर डाल के इसको दम दे देंगे। ये हमने निकाल के रखते हैं चावल जल्दी जल्दी से, और अभी हम इनके लेयर्स लगाने लगे हैं। और ये है हमारा सालन, हम इसमें अपनी लेयर्स लगाएंगे इस वाले तिचके में। सबसे पहले अब चिकन की लेयर लगेगी, डालूँ। चीज़ धनिया,
अच्छा जी, ये है फूड कलर हमारे पास, ये हम डाल देंगे। गाइस इसकी लुक कुछ इस तरह से आ रही है। अब हम जिसको लिड दे देंगे और हमारा बता दो फ्लेम बिल्कुल लो पे है। लिड ये है, ये हो गया। हम इसको छोटा है छोटा ये वाला, ये ले लो। ये हो गया जी हमारे पास। हमारी बहन तैयार, अभी हम इसको 20 मिनट्स के लिए दम दे देंगे और फिर हम मिलते हैं। तो गाइस हमारा टाइम हो गया खोलने का, बस उसको हमने चूल्हा बंद कर दिया है। और ये है मज़ेदार सी बिरयानी, महक इसको चमचे से हिलाए के चेक करेगा। बहुत मज़ेदार खुशबू आ रही है। देखिए चावल कितने लंबे लंबे हैं। गर्म मज़े की बैठ गया। तो गाइस हमने इसको कर लिया है डिश आउट, देखें कितनी मज़े की लगती है। अभी हम ये अपने नेबर्स को देख के आएंगे सबसे पहले, उसके बाद फिर हम बैठ के खाएंगे। तो गाइस बिरयानी तैयार है। तैयार, उम्मीद है कि आपको इसकी रेसिपी पसंद आई होगी और आपको आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।